देखो करना साइड ये हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो अभी सुबह का 11 बज रहा है। मैंने अभी मुनी धोए, फैजान सिर्फ ब्रश कराए और उधर मोबाइल चला रहा है। 10 मिनट पहले ही सो के उठा है क्योंकि स्कूल की छुट्टी पड़ गई है। तो यहाँ फोन चला रहा है और ये कायना भेड़ पेड़ सो रही है। और मैं अभी बना रही हूँ सुबह का चाय सबके लिए। अब किसी ने चाय पिया नहीं और नाश्ता बनाऊंगी साहिद के लिए, आमलेट ब्रेड आमलेट जो भी है। तो ये रही चाय हमारी और यहाँ है ब्रेड अंडा। तो मैं सुबह उठी थी 7 बजे, मैं जया को नाश्ता बना के दी यही ब्रेड आमलेट और तैयार कर दी, स्कूल गई। फिर मैं बाहर गई घर से वॉक पे, जो कि दो दिन से मैं जाती हूँ, कल का पता नहीं। और मैं थक जाती हूँ बहुत, आधे एक घंटे में ही चल चल के। उसके बाद मैं आके ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम करके आई हूँ, इतनी थकावट होती है, मैं सो जाती हूँ। तो मैं अभी सो के उठी हूँ 11 बजे। अब मैं ब्रश करूँगी, चाय नाश्ता बनाऊँगी और घर की पूरी साफ सफाई सब पड़ी है, वो सब हम बाद में करेंगे। पहले मैं अभी आपको दिखाती हूँ शायद चाय बन गई। उठो उठो, सुकून की नींद सोने दोगी? नहीं, थोड़ी सी देर बस। सुकून की नींद ये कैसे होती है? मैं तो सब बताऊं दे, मेरा मूड खराब है। हैं, मेरा मूड खराब है। सुकून की नींद, उठो अभी। सुकून की नींद है, मैं चाय नाश्ता नहीं दूंगी फिर, नहीं बनाने वाली मैं। तो मैं जैसे नाश्ता बनाने आई तो पता चला तेल ख़त्म हो गया है, तो मैं अभी पाउच निकाल के लाई हूँ। पहले ये निकालूँगी फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो तेल गर्म हो गया है और अपन अंडा फेंट लिया प्याज डाल के, और ये 2 अंडा है। तो बस हमारा नाश्ता रेडी हो गया। तो ये हमारा चाय और नाश्ता, और ये देखो नींद में खा रहे हैं उठ के। आंखें खुली? नहीं खुल रही, नहीं खुल रही। तो ये कल पूरा दिन सोचेंगे, क्या सोचे थे शायद? हाँ, ब्रेड आमलेट खाऊंगा, तो ये बना दिया मैंने। फैजान भी आ गया चाय नाश्ता के लिए। थैंक यू। आवाज़ बंद करो। तो आप लोग ना मेरे ब्लॉग में बने रहना, जो भी होगा मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी तो हम नाश्ता वास्ता करते हैं और आप भी आ जाए हमारे साथ नाश्ता करें। फैज़ान अपने हिस्से का तो देगा नहीं, मैं तो दे दूंगी, है ना फैज़ान? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बताइए कैसे ब्रेड तलने हो? अच्छा तलिए, बेइज्जती नहीं कर। तो कल का वीडियो तो कुछ खास चला नहीं, नहीं चलता है तो बड़ी दुख होती है, घंटों 2 घंटों का मेहनत बर्बाद होता है। कि आप लोग जो अच्छा सा चैनल है, तो जो भी होगा हम ब्लॉग में आगे दिखाते रहेंगे। मैं तो मैंने सोचा कि मैं आज लंबा वीडियो शूट करूंगी। तो अभी हम करते हैं नाश्ता, फिर हम मिलते हैं। छोड़ दे उसको, नीचे नीचे कर लेगी वो। तो अभी 1:15 हो गया है और स्कूल से सारे आ गए। हमजा को साइड जाके लाया को भी, और कल योगा मैट के साथ मैंने दिखाया था कि कोई सारा कुछ वो ये ज्वाइन करा है सर्कल। तो इससे अभी कोई बच्चे को खेलना नहीं आ रहा है, ये क्या पता हमारे सामने नहीं हो रहा हो, पहली बार है। हाँ, पहली बार नई चीज देखी है, पहली बार है। अगर पहले लाते तो होता। तो ये वाला टॉय इसमें पहली बार आया है, बच्चा लोग जैसे सर्कल सर्कल ये चीज आनी चाहिए घर में। अभी ये कर लेंगे अकेले में, वहाँ हम फैजान हमजा देखो योगा मैट निकाला साइड। तो बच्चा लोग खेल में लग गए, पूरे दिन यही होगा मेरे घर में, ये सर्कल सर्कल कमर में डाल के घुमाने वाला कुछ साइड ला के दिया था, तो अभी हो नहीं रहा है। और अभी मेरा घर का झाड़ू हो गया है, पोछा हो रहा है, मैंने बेड सीट पे बैठ जा क्या बोलते हैं, हाँ बेड पे बेड सीट डाली हूँ, ये वो सफाई भी कर दी। इधर थोड़े से कपड़े हैं और जो कल मैं कपड़े धोई थी वो गीला रात को ले आई थी कि हवा या बारिश ना आ जाए। फिर अभी से मैंने सूखने के लिए डाला छत पे।
देखो ये देखो, करना साहिब मैंने पहले कभी कराई नहीं। जोकर लग रहे हो, सर्कस वाले। ओ इतने बड़े पेट पे ये काम आएगा। जिसको कमर मटकाना आता वही कर सकता। तुम फैजान को दो, मेरा बेटा फैजान करेगा, अच्छा करता है। ऐसा देख क्या लाया था वो जो स्कूल में गया था, ऐसा नहीं कर रही थी। हाँ तो यार ये अजीब खिलौना है, कौन करेगा पहले? फैजान करेगा। फैजान करके दिखाना बेटा, स्पेस नहीं है इधर, इधर बीच में बीच में बीच में, और आगे और आगे। हाँ तो अब करो ये। तो अभी हमारा लंच का टाइम होने वाला है, तो मैं आज बनाऊंगी खिचड़ी, वो भी लाल मसूर का दाल डाल के। और मैं नहाऊंगी, थोड़ा सा बर्तन है मेरा चाय नाश्ते का जो अभी सुबह बना था, और ये रात की थोड़ी सी सब्जी बची हुई है गोश्त आलू का, मैं इसी में दाल और चावल डाल के खिचड़ी बना दूंगी अच्छी सी पतली वाली। तो अभी घर में पोछा लग ही रहा है, हटो। तो खिचड़ी के लिए मैंने लिया है लाल मसूर का दाल, चावल धो लिया है, मैं सब्जी में ही डाल दूंगी। एक गिलास चावल है, एक गिलास दाल है। तो अभी डालूंगी लहसुन अदरक थोड़ा सा, एक चम्मच से ज़्यादा, और थोड़ा मसाला। तो अभी खिचड़ी मैंने चढ़ा दी, वो बन 10 मिनट में बन जाएगी, 2 से 3 सीटी में। और मैं देख रही हूँ थोड़ा सा कपड़ा धो लूँ, फिर मैं नहाऊँगी, और जोहर का नमाज भी लेट हो रहा है, पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने पढ़ लिया है जोहर का नमाज, और अभी 3 बज गया है। अब मैं देखती हूँ किचन में जो खाना बनाया था। तो ये देखें खिचड़ी, ना गीला है ना सूखा है, एकदम अच्छा है। एवरीवन, अभी रात के 8 बज गया है, काम करते करते और लंच वंच के बाद, मगरिब का नमाज, शाम का चाय नाश्ता वगैरह वगैरह, जो भी पूरा दिन का काम होता है निपटाते निपटाते अभी रात का टाइम हो गया, और मैं अभी रात का खाना बना रही हूँ। और मैं आज खाने में क्या बना रही हूँ, सबसे पहले तो मैं अभी गरम गरम चावल बना ली हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है। और यहाँ मैं आलू उबाली हूँ, ये देखो, कल के पराठे के लिए भी रखूँगी। और सब्जी में मैं वही आलू अल्टा बनाऊंगी, और मैं छत से जितने सारे कपड़े लाए सारे ऐसे पड़े हैं, तय नहीं करे मैंने अभी। तो ये वो सारे कपड़े अभी छत से आए हैं, पर मुझे टाइम नहीं मिला तय करने का, तो ऐसे ही फेंका हुआ है। और मम्मी भी अभी आई थी बच्चा लोग से मिल कर, अम्मी चली गई हैं, कह रही थी कि मैं 10-15 दिन में घर गाँव चली जाऊँगी, तबीयत ठीक नहीं है अम्मी की। और अभी बस खाना पीना बनाएंगे, और बाकी तो जो भी होगा मैं ब्लॉग में, अब नेक्स्ट ब्लॉग मैं बनाऊंगी। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी मेरे को ब्लॉग शूट करते करते 8 बज गया है, मैं किस टाइम एडिटिंग करूंगी, किस टाइम डालूंगी। अब दिक्कत क्या हो गई कि बीच में कुछ दिन ब्लॉग नहीं डाला, तो ये हो गया है कि एक ही दिन में ब्लॉग शूट करके फिर एडिटिंग करके अपलोड करने में रात 10-11 बज जाएगा, और उस वक्त वीडियो इतना चलता नहीं है। जैसे कि कल नेक्स्ट जो मेरा पिछला था वो नहीं चला, क्योंकि मैंने लेट नाइट व्लॉग अपलोड करा था। तो मैं सोच रही थी कि जो वीडियो मैं अभी शूट कर रही हूँ ना, ये मैं रात को एडिटिंग करूँगी, जब मैं सबको खिला पिला के सुला देती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है। देखो मैं जो व्लॉग बनाती हूँ, थंबनेल भी मैं बनाती हूँ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, जो भी होता है एडिटिंग, मतलब A to Z काम मैं खुद से करती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं पता होता है मैं सर्च करती हूँ, मैं किसी और क्रिएटर की वीडियो देखती हूँ, तब जाके कहीं मैं एक ब्लॉग शूट करके अपलोड कर पाती हूँ। फिर भी बहुत सारी कंफ्यूजन मुझे रहता है, जब वीडियो नहीं चलता है तो मुझे लगता है कि क्या दिक्कत रह गई है, पर बहुत लंबा समय हो गया मुझे, इतना नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोग से यही उम्मीद करूँगी कि प्लीज़ हमारी वीडियो को भी लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मुझे 1000 सब्सक्राइब की ज़रूरत ही हो तो गई है, लेकिन व्यूज़ नहीं आते, जिससे कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है, तो दुख की बात है। खैर कोई नहीं, जब अल्लाह की मर्ज़ी होगा तो होगा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि घर में हूँ तो
बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा एक दिन, इसलिए। तो खैर ये वाला ब्लॉग को तो मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम हैं। और आज जैसे कि कौन सा दिन है तो जैसे कि आज अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये थर्सडे है आज, तो ये वाला वीडियो मैं फ्राइडे को अपलोड कर दूँगी, यानी कि कल। रात को मैं एडिटिंग करूँगी, क्योंकि लंबा टाइम लग जाएगा मुझे एडिटिंग में। तो चलिए मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करना। और मेरी वीडियो में देखिए कुछ भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि आप कहेंगे कि शर्म की बात है।